नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कम देख रेख और कम मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट के बारे में, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मॉस रोज की। तो मॉस रोज की वैरायटीज आती हैं, जो कि एक हाइब्रिड होती है और एक होती है देसी वाली। तो ये वाली हाइब्रिड सिंगल पेटल वाले हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत ब्लू मोहरी दो कलर में है, एक येलो कलर है और ये एक ऑरेंज कलर है। तो दोनों मैंने कटिंग से ही लगाई थी और इसी कटिंग मैंने शेयर भी करी थी। तो अगर आप इनको लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिएगा, कहीं मिलती है कटिंग देसी वाली या हाइब्रिड वाली। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, जो न्यू गार्डनर है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने इनको गार्डन में ऐड करो। और बहुत ईजीली लग जाती है, छोटी छोटी कहीं कटिंग आप ले लोगे इनकी ना, तो ये लग जाती है। गिर भी जाती है कहीं इनकी कटिंग, तो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। और रोज़ के रोज़ अभी ना ये इस तरीके से भर भर के ब्लूम कर रहे हैं। कलर पेटल देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। इसमें ऑरेंज और वाइट बीच में जो डॉट टाइप की है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है। इसमें ना एक खास बात हो रही है, इसमें सीड बहुत जल्दी से बनते हैं। तो मैं भी सीड आपको दिखाऊँ, क्योंकि ये जैसे ही इसमें सीड बन रहे हैं, तो आप इनको सेव करके रख सकते हो या फिर आप इसी में गिरा सकते हैं, ताकि दोबारा देखिए इस तरीके से सीड बनते हैं। ये अपने आप इसी में जर्मिनेट हो जाएंगे, तो एक पौधे से कई पौधे बन जाएंगे। इनको लगाना बहुत ही आसान है, आप इनकी कहीं से कटिंग लेके आप तोड़ के लगा दोगे ना तो लग जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट प्लांट है, जो कि आप बिल्कुल ईजी टू ग्रो प्लांट है। ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत भी नहीं है, लगा सकते हैं इनको, ना तो ज़्यादा धूप की ना ज़्यादा छाँव की, कहीं भी लगा देंगे ये चलती रहेगी। तो ये मेरा मॉस रोज का प्लांट है, आप इनको भी ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। दूसरी बात करूँ तो ये है अपराजिता के प्लांट। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट है। एक बार अगर लगा देते हो गार्डन में, बस इसको पानी और खाद देते रहिए टाइम टाइम से, ये अपने आप सर्वाइव करते रहेंगे। तो ये भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं लगाने। एक अगर बात करूँ तो ये कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे कटिंग वीज से मैंने इनको ग्रो किया था, और अभी देख सकते हैं जगह जगह पर इस तरीके से कलियाँ आई हैं। और फ्रेंड्स, इस तरीके से जो फूल मुरझा जाते हैं या सूख जाते हैं, तो उनको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, ताकि इनके आगे ग्रोथ हो सके। ये देखिए इस तरीके से इसमें कलियाँ आ रही हैं। तो ये भी आप ऐड कर सकते हो अपने गार्डन में, बहुत ही ईजली लग जाते हैं सीड से भी कटिंग से भी, तो आपके आप पे भी ऐड कर सकते हो। मेरा जो तीसरा प्लांट है मैं बात करूँगी, ये है मोगरा। मोगरा भी इनको ईजिली आप लगा सकते हैं, बहुत ही हार्डी प्लांट है, कटिंग से आसानी से लग जाते हैं। इसे भी इनकी अच्छी से स्टैम्प मिल जाती है, लगा लेते हैं किसी भी मिट्टी में लगा दोगे तो ये लग जाएंगे। तो मोगरा भी आप इन्हें अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, जो कि बिगिनर सभी हैं, गार्डनिंग लेनी शुरू करे हैं, उनको भी ये लगा सकते हैं। तो वो भी बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अभी भी टाइम है इनकी कटिंग लगाने की, तो कटिंग लगा सकते हैं इनकी। और मैं चौथे प्लांट की बात करूं तो मेरा है ये, इसकी मैं बात करती हूँ, ये मेरा है गलाडिया का है। तो भी सीड से ग्रो हो जाता है ईजिली, जैसे कि ये सूख जाते हैं तो इसमें सीड बनना शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे हो जाते हैं सीड इस तरीके से। तो अगर आप इसे पॉट में डाल देते हैं तो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। और देखिए इसमें सीड बन रहे हैं, तो इनको मैं अभी प्लांट मेरा है ये ढेर सारे, तो इनको रिमूव कर दूँगी, ताकि आगे भी इनकी जो बर्ड्स या फ्लावरिंग हो रही है अच्छे से हो सके। तो आप बेस्ट ऑप्शन है, आप भी इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं सीड से, या फिर सीड से ही और लगते ही हैं। कटिंग का तो मुझे पता नहीं है, अभी तक मैंने कटिंग से नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स सीड से इतने ढेर सारे हो गए हैं तो कटिंग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी एक बार के, देखते हैं कटिंग से लगते हैं कि नहीं। कलर की बात करूँ तो ये दो कलर में आते हैं, कि रेड में रहते हैं और येलो में। तभी येलो वाला कुछ ज़्यादा ही खिल रहा है, रेड वाला थोड़ा सा कम हो गया है। क्या होता है ना, एक बार जब हैवी ब्लूमिंग हो जाती है तो उसमें इसे थोड़े मोड़े करके ही फ्लावर आते रहते हैं। तो गलाडिया भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो, नहीं है तो फिर आप नर्सरी तो है, नर्सरी से बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो 20-25 रुपये में, इस तरीके से ये आ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो जीनिया है। जीनिया विजी टू ग्रो प्लांट है, सीड से आसानी से लग जाते हैं। अगर आपके पास सीड है तो इनको सीड से लगा लीजिएगा। कलर पेटल से बहुत से आते हैं, और ये ड्रॉप वैरायटी वाले हैं, लॉन्ग वैरायटी के भी आपको भी नर्सरी में जाएंगे तो मिल जाएंगे। तो आप जीनिया भी ऐड कर सकती हैं। मेरे पास तीन कलर के, ये येलो है, रेड है और ऑरेंज कलर का है।
और फ्रेंड्स अगर लो मेंटेनेंस की बात चली, लो मेंटेनेंस वाले प्लांट की, तो विंका तो सबसे पहले भी आता है, तो विंका को भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। कलर इनके बहुत से आते हैं। वैरायटी की बात करूँ तो देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी भी है। तो देसी वैरायटी वाला वाइट कलर का है, इनको भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लगाने की बात करूँ तो ये कटिंग से और सीड से दोनों से ग्रो हो जाते हैं। अगर जिस गमले में ये लगे हुए होते हैं, इनके वहाँ पर इनके सीड गिरे रहते हैं, तो अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं। तो कलर देख सकते हैं कितने मेरे पास हैं, 3 या 4 तो वही हैं, हाइब्रिड वाले, देसी वाले तो भी हैं। लेकिन अगर लगाने की बात करूँ जो न्यू गार्डनर है उनके लिए ये बेस्ट है, अपने गार्डन में ये और सदाबहार भी ऐड कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो फ्रेंड्स आता है एक्सोरा। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इनको कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। और ये मेरे पास है पिंक वाला, ड्राइपरेटी वाले छोटे फूल खिलते हैं, छोटा ही प्लांट रहता है। ये लॉन्ग वाले भी हैं, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग एक बार हुई, अभी ये नहीं हुई है। तो मेरा ड्राइपरेटी वाला है। अगर इनको आप चाहें तो नर्सरी से परचेज कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ फूल इसमें खिल के मुरझा चुके हैं, तो मैं इनको यहाँ से रिमूव कर दूँगी। और इसी तरीके से कर देना चाहिए फिर, ताकि फूल की प्लांट की सुंदरता बनी रहे और आगे इनकी अच्छी सी ग्रोथ भी हो सके। तो आप एक्सोरा भी अपनी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। लगाने की बात करें तो कटिंग से ही लग जाते हैं, तो ये अच्छे से कहीं से इनके स्टेप लेके लगा सकते हैं। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, इनको आप लगा सकते हो। फ्रेंड नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो ये है गॉमफ्रेना। ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, इनको कटिंग से सीड से दोनों से ग्रो कर सकते हैं। जैसे ये वाला है, अब ये मतलब खिल चुका है, इसमें छोटे छोटे सीड बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो इनको अगर मैं चाहूँ तो इनको मैं गमले में डाल दूँ और अपने आप ही जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। और छोटे छोटे इस तरीके से खिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कलर देख सकते हैं बिल्कुल डार्क पिंक वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इनको भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से भी इनको परचेज कर सकते हैं। छोटे छोटे इस तरीके से खिलते हैं। और इनके कलर की बात करूँ तो ऑरेंज में आते हैं, पिंक, लाइट पिंक या डार्क पिंक वाले। लाइट पिंक वाला लगा हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स वो गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि प्लांट मेरे सूख गए। अभी ये वाले बचे हुए हैं, ब्लूमिंग तो बहुत अच्छे से हो रही है, तो वो फ्रेंड भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो वो है नाग चंपा। चंपा की 2 वैराइटीज़ होती हैं। कलर पेटल तो इनके डिफरेंट डिफरेंस आते हैं, लेकिन कुछ की पत्तियाँ लंबी होती हैं, कुछ की इस तरीके से होती हैं। तो ये नाग चंपा है, इनकी अभी देखो मैंने कुछ दिन पहले इनको शेयर किया था, जिसमें 3 फ्लावर सिर्फ खिले थे। अभी देखिए इस तरीके से ढेर सारे इसमें खिल चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो नाग चंपा भी आप ऐड कर सकते हो, इसलिए इनकी कटिंग लग जाती है। कहीं से भी इनके स्टैंप आपको अगर मिलती है तो लगा सकते हो इनकी कटिंग। और मेरे पास जो दूसरी वाली वैरायटी फ्रेंड्स ये वाली है, और देखिए इसके पत्ते कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ है, देखिए इतनी मोटी स्टेम में नर्सरी से लाई हुई थी और ये लग भी गई है। यहाँ से बंदरों ने तोड़ दिया था, तो इसकी ग्रोथ यहाँ से शुरू हो गई है। इसके फ्लावर की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो जहाँ पर ये लगा हुआ तो उनके फूल थोड़े बड़े साइज़ में हिलते हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने इनको लगाया हुआ है। तो आप इनको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, जो कि चंपा की वैरायटी होती है। फ्लावर नहीं होते, लेकिन इनकी पत्तियाँ ही इनकी खूबसूरती बढ़ाती रहती हैं। फ्लावर इनके जब टाइम होगा अपना तब ये खिलेंगे, तो वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। की बात करूँ तो वो है गुलाब। गुलाबी कलर वैरायटी बहुत से आते हैं, लेकिन अगर देसी गुलाब की बात करूँ फ्रेंड्स, उनकी कटिंग आसानी से लग भी जाती है और उनकी ज़्यादा देख रेख की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस टाइम टाइम से इनको फर्टिलाइज़र और पानी की ज़रूरत रहती है, बस देते रहेंगे तो अपने आप ब्लूम करते रहेंगे। तो गुलाब भी अपने गार्डन में ऐड कर सकती हैं, जो कि लो मेंटेनेंस में चलने वाले प्लांट होते हैं, अभी लगा सकती हैं। और ये मेरा मतलब इंग्लिश रोज, इसमें देख सकते हैं इस तरीके से इसमें कलियाँ आ रही है अभी, और एक खिल भी रहा है। तो मतलब अभी इतनी तेज़ गर्मी है, लेकिन बहुत अच्छे से चल रहा है। तो इंग्लिश रोज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी सही नहीं है इनको परचेज़ करना नर्सरी से। अगर आपके पास कटिंग मिलती है तो लगा सकते हैं इनको। और वैसे तो मैं देसी वाला बोलूँगी, देसी वाला आप गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब देख सकते हो बहुत ही हेल्दी प्लांट है। वो देखिए इस तरीके से धूप की वजह से थोड़ा सा मुरझा गया है मेरा देसी वाला रोज है, सॉरी इंग्लिश रोज है, येलो कलर में था और अभी मतलब चल रहे हैं।
नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो मधुमालती ये टॉप वैरायटी वाले मेरे पास हैं, और इस तरीके से अभी मतलब एक बार है अभी ब्लूमिंग हो चुकी है, तो अभी थोड़ा सा एक दो करके इसी तरीके से खिल रहे हैं, लेकिन अभी ये देखिए बंचेस भी आना भी स्टार्ट हो गए हैं। कलर देख सकते हैं इस तरीके से इनके कलर छोटे छोटे आते हैं। तो ये टॉप वैरायटी वाले फ्रेंड्स जिसको हम पॉट में लगा सकते हैं, तो यही अगर आपके पास है तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं है तो आप इनको कटिंग से नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, नर्सरी वाले इनको दे देते हैं। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, एक बार अगर ऐड कर लिए तो फिर ये सालों साल चलता रहता है। मेंटेनेंस पानी से फर्टिलाइज़र देते रहिए, बस छोटी छोटी बातें रहती हैं उनका ध्यान रखेंगे तो आपके गार्डन में सारे प्लांट्स चलते रहेंगे। सो फ्रेंड आज की थी मेरी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी है, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।